टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11C और चैप्टर 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फ्रॉम एस्चन्स फॉर क्लास 10-4 आईसीएसई फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन, मतलब 0-0 में से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4। और किस पे परपेंडिकुलर है? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 पे, मतलब ये एक लाइन है, ये 0-0 में से पास कर रही है और एक दूसरी लाइन थी उस पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। हाउ वी कैन फाइंड, बताइए बेटा। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, बच्चे एम नहीं पता हमें, जब तक इस लाइन की स्लोप नहीं पता होगी तब तक हम नहीं फाइंड कर सकते। इस लाइन की बेटा स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4, इसी इक्वेशन में से स्लोप आ सकती है इस लाइन की। यस कैसे? टू वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 2, मतलब कंपेयर कर दो इसके साथ एम एक्स प्लस एम वन लिख लो बेटा, इसको एम वन की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू। यस, नाउ ये दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन माइनस वन, एम वन माइनस हाफ पॉइंट किया है, एम टू एम टू, एम टू की वैल्यू माइनस से माइनस काट दो 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो आप पहले बता रही थी बेटा आप, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, वाई एज लाइक एक्स वन, वाई वन 0, एम टू फाइंड किया है बेटा हमने, एम टू लिख देना यहाँ पे भी, एक्स माइनस 0 मतलब y इज इक्वल टू 2x इज द आंसर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ, यस समझ गए बच्चे? यस नाउ जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है बेटा, डिटर्मिन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए, एक मिनट ये कहां पे आ गया, सॉरी कहां पे पहुंच गया ये, अच्छा ये टर्न हो गया था नहीं, सेवेंथ का बी पार्ट बेटा, द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस, यहां से स्लोप निकल जाएगी। यस सर, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल, जो जो पॉइंट इस लाइन में इस पॉइंट में से पास कर रही है जो लाइन उसकी स्लोप भी जो इसकी स्लोप होगी वही होगी, उसके बाद फॉर्मूला पता ही है हमें, वाई माइनस वाई वन कर लोगे। यस सर, सी पार्ट दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया, 4-5 में से पास कर रहा है एंड 1 पैरेलल टू परपेंडिकुलर, अगर पैरेलल होगा इसके तो वही सेकंड वाला पार्ट, परपेंडिकुलर होगा तो पहले बार जैसा पार्ट हो जाएगा। यस सर, एट सम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस,
ये भी किया हुआ है वैसे ही, करवाएगी बच्चे मुझे। ओके तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? लो देख लो, है ना अभी। हाँ मोटो बच्चे, एक लाइन इन दो पॉइंट्स में से पास करती है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, कैसे करेंगे? सर, पहले y टू माइनस y वन अपॉन x टू मतलब माइनस हम पहले स्लोप फाइंड स्लोप करेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 अपॉन 1, 2 आ गई स्लोप। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, हाँ y माइनस y वन इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x वाई, वाई वन की वैल्यू 3 है, चाहे ये ले लो बेटा चाहे ये ले लो, आंसर सेम आएगा। कौन सा लें, ये लेके ये ले? तो सेकेंड वाला बस आ गई इक्वेशन। ये कहां से ब्रैकेट डल गया, -2x -4 + 3 -1, तीनों पार्ट्स सेम। कल कितने बजे जाना है? 10 बजे। नाइन्थ सम मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे बता नाइन्थ सम में हम क्या करें। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगे। दोनों इक्वेशंस इक्वल होंगी, तो क्या इक्वल होगा? दो लाइन पैरेलल लाइंस में क्या होता है? m1 इज इक्वल्स टू m2। मतलब दोनों की स्लोप को इक्वल करना है बच्चे, ठीक है मोटी? स्लोप निकाल लोगे ना दोनों में से, और यस दोनों दोनों को इक्वल कर देना है। ओके, टेंथ ओके सर। सम, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ई एंड एफ आर दिस एंड दिस। ई एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? स्लोप निकल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन, यस उसके बाद थर्ड, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ई एफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? फाइव वाई की वैल्यू 0 फिल करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। कुछ नहीं समझ आया, क्या हो गया, नहीं आया ना? चलो, दो पॉइंट्स गिवन है बेटा, ई एंड एफ। ई के कोऑर्डिनेट हैं 0.4, एफ के कोऑर्डिनेट हैं 3.7। पहला पार्ट, जैसे उन्होंने लैंग्वेज लिखी है वैसे ही लिख देंगे हम, इज इक्वल टू एम बी डाल दिया। स्लोप क्या आ गई? 1 आ गई। सेकेंड पार्ट में क्या बोला उन्होंने? इक्वेशन ऑफ ई एफ, इक्वेशन ऑफ ई एफ, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। वाई एज लाइक वाई वन की वैल्यू 7, एम वन एक्स माइनस एक्स वन 3। वाई माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, y माइनस x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया सेकेंड। थर्ड पार्ट में बेटा उन्होंने क्या बोला है?
कट द एक्स एक्सिस पैरेलल, सॉरी किधर गया, हाँ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ई एफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस. एक्सिस वाई की वैल्यू जीरो होती है ना, बोलो बेटा. यहाँ वाई की प्लेस पे जीरो फिल कर दो, माइनस एक्स फोर एंड एक्स इज माइनस फोर. तो देयर फोर ई एफ कर्स द एक्स एक्सिस एट माइनस फोर जीरो हो गया. मतलब देखो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उसकी वाई की वैल्यू पता है हमें. अब जो मान लो ये था बेटा जो ई एफ लाइन है वो यहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू तो जीरो ही है ना, एक्स की हमने फाइंड करनी है. तो इसकी इक्वेशन में फाइंड कर चुका हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी, ई एफ की. उसमें अगर एक्स एक्सिस बोला है तो वाई की वैल्यू, अगर वाई एक्सिस बोला था तो एक्स की वैल्यू जीरो फिल कर देते. समझ गए बच्चे? यस. नाउ इलेवन सम, क्वेश्चन नंबर 11. पी क्यू आर हैव कोऑर्डिनेट दिस दिस दिस. पी क्यू आर ग्रेडियंट मतलब स्लोप, इक्वेशन ऑफ लाइन पी थ्रू पी परपेंडिकुलर टू क्यू आर. मैं एक फिगर बना रहा हूं, P के कोऑर्डिनेट है माइनस टू वन, क्यू के कोऑर्डिनेट है टू टू, आर की कोऑर्डिनेट है सिक्स माइनस टू. ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर मतलब क्यू आर की स्लोप. आप पूरा लिख देना, ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर लिख देना, मैं यहां सीधा एम वन लिख रहा हूं, माइनस टू अपॉन सिक्स माइनस टू, माइनस फोर बाय फोर माइनस वन आती. पहला आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू क्यू आर. अब पीएम की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है. दोनों लाइंस क्या हैं बच्चे, पीएम एंड क्यू आर परपेंडिकुलर. इसकी स्लोप को मैं एम टू ले लेता हूं. Now, M1 into M2 किसके इक्वल होगा, माइनस वन. M1 माइनस वन है, M2 हमने फाइंड करना है. M2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन अपॉन माइनस वन. इसकी स्लोप भी आ गई PM की, PM की स्लोप आ गई. Now, इक्वेशन ऑफ लाइन वही फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन. वाई देखो पीएम पे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, पीएम की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना. कोई भी एक पॉइंट पता हो तो बहुत इजी है, और उसकी स्लोप पता हो. स्लोप में ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं वन, एम टू लिख देना यहाँ पे भी. वाई वन वन हो गया और एक्स वन माइनस टू हो गया. M2 की वैल्यू भी 1 फाइंड की है, x माइनस एक्स वन माइनस माइनस प्लस टू हो गया. y माइनस वन किसके इक्वल, x प्लस टू के. तो y माइनस एक्स थ्री के इक्वल आ गया. हो गया, समझ गए बच्चे? यस. इलेवन के बाद आ जाओ ट्वेल्थ सम पे. A line meet the x-axis at P. एक लाइन दी हुई है, इक्वेशन दी है उसकी.
कहते हैं एक्स एक्सिस को पी पे कट कर रही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। देखो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल मतलब यहां फिगर बना के दिखाता हूं। एक लाइन एक्स एक्सिस को पी पे कट कर रही है, मैं ऐसे ले लू, ये पॉइंट पी ले लिया, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये है जो मैंने लिखी है, ये जो लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस को पी पे कट कर रही है ना। फिगर को समझ लो, सम समझ आ जाएगा। अगर फिगर को नहीं समझ समझ आएगा ना बच्चे, तो सम नहीं समझ आएगा। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी, कहते पी में से एक लाइन पास कर रही है जो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन। दिस वन, वैसे मैंने एक सिंपल सी मतलब रफ फिगर है ये, रफ का मतलब पी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। मैंने मतलब ये लाइन फिर से देखो, एक लाइन है एक्स एक्सिस को पी पे कट कर रही है, पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो बेटा। यस कैसे? बता बता, तूने यस बोला अभी? नहीं कर सकते। अभी तो तूने यस बोला था। चल तू ही बताएगी, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं बेटा, पी कहां पे लाई कर रहा है? एक्सेस तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो हो? वाई ये लाइन देखो, ये लाइन भी तो पी में से पास कर रही है, पी पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो एट पी y इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन में फिल कर दो, 3x माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू माइनस 12, x की वैल्यू माइनस 4, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गई? माइनस 4 कॉमा 0 आ गई। अब तो सम कुछ बचा ही नहीं। हमने इस लाइन जो मैंने डबल की है ना अभी लाइन पी क्यू, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। इस लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए, जब तक इस लाइन की स्लोप नहीं आएगी हम फाइंड नहीं कर सकते सर यहाँ पे लिखते इसी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एफ। एफ नहीं है बेटा, पी है, वो सॉरी मिसप्रिंट है, एफ है कि पी है? ये जापान जाने की इतनी खुशी है दिया? नहीं सर। शुक्र है मुझे भी 10 दिन की वेकेशंस मिलेंगी है ना, ऐसे तो 1.5 महीने की थी पर मेरी तो 10 दिन की ही है ना। चलो इंजॉय करना पूरा, वहां पे साइड पे मत बैठे रहना यस मोटी, मतलब मिक्सअप होके बच्चों के साथ एंजॉय करना होता है। ओके ठीक यहाँ पे बेटा, कहते पी में से एक लाइन जो दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन से बच्चे हम स्लोप निकाल लेंगे। ये इक्वेशन दी है, यहाँ पे इसकी स्लोप निकल जाएगी m1, फिर दोनों परपेंडिकुलर हैं, m2 की वैल्यू आ जाएगी, m1 इंटू m2 करके माइनस 1, m2 आ गया। अब इस लाइन पे इसकी स्लोप भी पता चल गई और p पॉइंट भी पता है, फिर वही फॉर्मूला,
वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। करूं बच्चे मैं कि हो जाएगा सम? जाएगा। थोड़ा सा बस मतलब फिगर बना लोगे तो इजी रहेगा, फिगर नहीं बनाओगे तो नहीं समझ आएगा। सर m1 इंटू n2 इज इक्वल्स टू -1, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा वो M2 की वैल्यू आ जाएगी ना बेटा, फिर हमने तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है ना PQ की, ना। अच्छा हाँ स्लो ओके। स्लोप आई है ना अभी। फिर स्लोप आने के बाद बेटा y माइनस वाई वन इज टू एम टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये एक्स वन और वाई वन हो जाएंगे। ओके सर थर्टीन सम, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज डिवाइडेड बाय 3 1 एट पॉइंट ए। ओके कोई ए पॉइंट है, इसको 3:1 में डिवाइड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू ए में से बच्चे एक लाइन किसी दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी। मैंने एम एन ले ली दूसरी लाइन। क्वेश्चन समझो, देखो बेटा पॉइंट ए पी क्यू को 3:1 में डिवाइड करता है, ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से। मैं सीधा शॉर्टकट में चल जाता हूँ, 3 × 9 = 27 प्लस 1 × 5 = 5/4 कोमा 3 × 6 = 18 −2 अपॉन 4, 32/4 = 8, 16/4 = 4, ए के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 8,4। ए के कोऑर्डिनेट आ गए बच्चे हमारे पास, सर वो 2 कैसे आया? 18 कौन सा 2? -2/4 वाई किसके इक्वल होता है? M1 वाई टू, 3 6 18 एम टू इंटू वाई वन, ओके ठीक है मोटी। ए के कोऑर्डिनेट आ गए, आप कहते क्या लिखा था उन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। यहां से बच्चे -3y इज इक्वल टू -x - 4 हो जाएगा। y की वैल्यू -x/-3 -4/-3, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y x/3 +4 आ गया। कंपेयर करो M1x + C1 से, हमें M1 ही चाहिए, 1/3 आ गया। इसकी स्लोप आ गई, इसकी स्लोप हम फाइंड कर लेंगे M1 × M2 से, इसके इक्वल -1। M1 1/3 है, M2 हमने फाइंड करना है -1। M2 की वैल्यू क्या आ गई? -1 × 3, M2 वी गेट -3। M2 की वैल्यू कितनी आ गई? -3। अब इक्वेशन ऑफ ए बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन। वाई अब ए बी लाइन पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है ए के, 4 8 8 4, मतलब y के प्लेस पे 4 आ जाएगा। एम टू हमने फाइंड किया है, एक्स माइनस एक्स वन के प्लेस पे 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, इक्वेशन एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज आंसर। समझ गए बेटा? यस सर। हाँ, वैसे अब ना सारे सम तेरे करने वाले ही हैं, कुछ खास नहीं है। मैं तो लॉजिक समझ आना चाहिए था, वो आ चुका है।
देखो 14 सम, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, यहां से स्लोप निकाल लेंगे, यस निकल जाएगी बच्चे। जो स्लोप फाइंड की है, दो जो पैरेलल लाइन है स्लोप इक्वल होती है ना, यस दूसरी लाइन की स्लोप भी वही आ जाएगी जो आप, स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। यस यहां पे ग्रेडियंट मतलब सर, M1 इज इक्वल्स टू M2 कब होता है? जो लाइंस पैरेलल होती हैं, और M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1। जो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तेरे ओके सर, को क्या हो गया ये सर दिया? कंफ्यूजन था। मेरे सामने होती ना तो दो चांटे पड़ जाने थे तेरे, कि सारा चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी सिर्फ 10 क्वेश्चंस रह गए हैं, 10 भी नहीं रहे, 6 क्वेश्चंस रह गए हैं। हैं बोल मोटी। हाँ चल कोई बात नहीं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चे? स्लोप इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस मतलब, हाँ सी वहां पे, इस यहाँ पे पहले एलसीएम लेना, क्रॉस कर देना, फिर वाई को वैसे एक तरफ करके स्लोप एम और सी की वैल्यू निकल जाएंगी, यस वही पूछा इन्होंने। 16 सम, लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग ए एंड बी, यहां से स्लोप निकालो, यहां से स्लोप निकालो, दोनों स्लोप्स को इक्वल कर दो, हो जाएगा। यस सर, ए और बी में एक इक्वेशन आ जाएगी, वही आंसर होगा, समझे बेटा? फाइंड यस सर, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड मेकिंग इंटरसेप्ट वाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे 5 का इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब जो 16 का सेकंड पार्ट है बेटा, उसमें इन्होंने ये बोला है, कोई लाइन 1 3 में से पास कर रही है, ये पॉइंट 1 3 है बेटा, ऐसे बनेगा 1 3, और वाई इंटरसेप्ट 5 है, मतलब ये 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,5 हो गए, समझे मेरी बात? वाई इंटरसेप्ट 5 बोला है तो वाई एक्सिस पे 0,5 हो गया ना वो। अब दोनों पॉइंट्स पता हैं, दो पॉइंट पता है इस लाइन पे, स्लोप निकल जाएगी, फिर यस इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ये बच्चों वाला सम आ गया 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट द इक्वेशन दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, कैसे करेंगे दिया? बोलो बच्चे, एक्स के प्लेस पे -4 फिल कर देंगे और वाई के प्लेस पे 4 फिल कर देंगे, पी की वैल्यू फाइंड करो। उन्होंने सिंपल बोला है ना बेटा, कि ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू -4 फिल कर दो, वाई के प्लेस पे 4 फिल कर दो, पी में इक्वेशन आ जाएगी, पी की वैल्यू फाइंड करो, समझ गए? गिवन यस दैट द लाइन दिस एंड द लाइन दिस आर पैरेलल, फाइंड ए, वही पैरेलल लाइंस के टाइम स्लोप को इक्वल इक्वल कर दो, समझ गए? अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड कट ऑफ एंड इंटरसेक्ट थ्री पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्स, सेम वही, एक पॉइंट तो -2 0 हो गया, दूसरा क्या हो गया? 0,3, 0,3 होगा ना, कट द पॉजिटिव साइड ऑफ इंटरसेप्ट का मतलब वाई एक्सिस के साथ, यस दो पॉइंट्स पता है,
स्लोप निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। द जॉइनिंग फिगर कुछ नहीं है, अपने आप करना, मैं नहीं करवा रहा। पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, देख के लिखने हैं ग्राफ में से। ए कहते उसके बाद ए 0 3 एंड दिस डिवाइड द एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ये भी प्रोड्यूस्ड। चलो करना अपने आप। मुझे नहीं आते क्योंकि दिया कोई मत्था कपाई करनी पड़ेगी, कर लेगी। यस तैयारी हो गई, पैकिंग कर ली कि नहीं की? शाबाश, कल 10 बजे शुरू करेगी कि ट्रेन में करे प्लेन में करेगी? बाय प्लेन जाना है पहले। सर इसलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा जल्दी क्लास लो। अच्छा नहीं, अब कल बाय ट्रेन जाना है कि बाय एयर जाना है दिल्ली तक? बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट जाना है। अकेली जाएगी कि मम्मी पापा छोड़ने जाएंगे? अकेले अकेले, डर नहीं लगता? सर मैंने ट्रैवल किया हुआ इंटरनेशनल फ्लाइट अकेले। अच्छा तो स्ट्रॉन्ग है तू फिर तो। मैं तो तेरे को वैसे ही समझता था, ये बोलती नहीं है। एक्टिव है फिर तो तू। हाँ चलो गुड, चल ठीक है बच्चे। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। पूरा एंजॉय करना है वहां पे। सर कल क्लास होगा क्या? कल छोड़, क्या करना है, तू तैयारी कर अपनी। 10 दिन अब कोई क्लास नहीं, ठीक है? चल ओके बेटा, बाय।